रवि किशन एक हाथ में खेसारी को, एक हाथ में पवन सिंह को लिए हुए थे, और जब पवन सिंह खेसारी की तरफ इशारा करते हुए गाना गाते हैं कि तोहरा जैसन भाई कहाँ, उसके बाद से खेसारी लाल यादव धर के लिपट जाते हैं और 5 मिनट तक भैया लिपटे रहते हैं। इसी प्रकार से उस समय का दृश्य है, कुछ और रहता है, हर कोई नाचने झूमने पर मजबूर हो गया था। अपने तो अपने ही होते हैं ना, जी याद है ना, रघु को ले जदु कोल, और भाई भाई के अगर कोई रिश्ता निभाना सीखे तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह से। जब एक दोनों विवाद में रहते थे, दुश्मनी करते जी थे, जी तो मारने तक की बात आता था, और वही जब दोनों एक हुए हैं तो प्यार भैया इतना, देखिए ना तस्वीर में दिख रहा जी होगा, जी 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 इतना जी प्यार, जी मतलब क्या ही चुम्मा हद चाटी होने पार है, लगा। हद पार है, मतलब प्यार महा प्यार हो रहा है, गठबंधन का प्यार जी है भाई। नमस्कार, मैं संतोष। और यार, आप सभी को पता ही होगा कि भोजपुरी में बहुत ही बड़ा इतिहास बन गया। जी हाँ, धरती और आकाश दोनों का मिलन हो गया। जी हाँ फ्रेंड, जो कि आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए सुभाष यादव जी हैं, तो खूब सारे बात करने वाला। तो क्या लगता है, ये जो इतिहास, इतना बड़ा इतिहास भोजपुरी में पहली बार हुआ है कि इससे भी पहले हुआ था? ये पहली बार हुआ है, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक हुए, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रहा है। और अब ना जाने कितने दलालों की दुकानें बंद हो गई है भैया, कितने जी 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 दलालों की बस बस दुकानें बस पे बस बस ठप्पा लग बस गया के है। जे ये बात कहने से हमको एक ही चीज़ नोटिस करते हैं फिर, कि सभी लोग कह रहा है यार कि कितनों दलालों का दुकान बंद हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि साला असली दलाल कौन था? सारे लोग जितने भी यूट्यूबर थे खेसारी पवन को गाली देने वाले थे, जब जी खेसारी पवन का प्यार वाला गठबंधन हुआ, उसके बाद से सारे लोग यही बात बोल रहे हैं कि कहीं ना मतलब कहीं सारे दलालों की दुकानें बंद हो गई, तक काशी के पंडित जी दोनों को गाली देता था। और आप इस बात को गौर कीजिएगा कि अभी तक हम कभी पवन सिंह को पवनमा नहीं बोले हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव को विरोध करने वाले लोग खेसारी लाल यादव को मसूरिया, छकवा, लौंडा क्या नहीं बोला, लेकिन पवन सिंह को अभी तक हमने पवनमा नहीं बोला लेकिन है। आप भी खूब ज्यादा विरोध करते थे, नीति मतलब से करते थे, नीति से करते थे, जब पवन सिंह गलती काम तो करते थे। आपका भी दुकान तो अब बंद ही हो जाएगा। बंद कैसे हो जाएगा, देखिए हम ये मार रहे थे, हम अब रिपोर्टिंग करने लगे हैं ग्राउंड जीरो लेवल पे, क्योंकि अब हमको पूरा दुनिया घूमना है। जब दुनिया घूरते थे तो लोग भेटा जाते थे, कोई जी पवन सिंह के फैन रहते थे ना, तो भैया हमको दबोचने लगते थे कि काहे विरोध करते हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि कैसा हूँ कालकंटाई दूर होवे, दोनों एक हो जाएं, ताकि हमारा ऊपर से संकट हट जाए, और अब पूरी तरह से हमारे ऊपर से संकट हट गया है, और जय हो भोजपुरिया जहान। जी अभी आपने कहे कि कभी भी हम पवन सिंह को गाली नहीं दिए, लेकिन खुद खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, खेसारी लाल पवन सिंह को गोबर सिंह बोले, यानी तो उनके फैमिली पर गए, चार चार बीवी रख ले, क्या क्या बोल गए, लेकिन दोनों का जब मिलन हुआ फिर भी तो अंदर से फील आता होगा कि यही है जो हमको इस प्रकार से बोलता था, और एक दूसरे तो जरूर सोचे होंगे। क्या सोचते हैं? देखिए अपने तो अपने ही होते हैं ना, जी याद है ना, रघु को ले जदु कोल, जी अपने तो अपने ही होते हैं गाना है, और भाई भाई के अगर कोई रिश्ता निभाना सीखे तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह से। पवन सिंह स्टेज शो के दौरान बोले ना कि कभी खटास और कभी मिठास आता है, जी जी तो भैया उस समय का दृश्य है कुछ और था, जब खेसारी और पवन और रवि किशन बीच में थे, रवि किशन एक हाथ में खेसारी को, एक हाथ में पवन सिंह को लिए हुए थे, और जब पवन सिंह खेसारी के तरफ इशारा करते हुए गाना गाते हैं कि तोहरा जैसन भाई कहाँ, उसके बाद से खेसारी लाल यादव धर के लिपट जाते हैं और 5 मिनट तक भैया लिपटे रहते हैं। इसी प्रकार से उस समय का दृश्य है, कुछ और रहता है, हर कोई नाचने झूमने पर मजबूर हो गया था। वहां पर जितने भी लोग थे ना, सारे लोग पागल हो गए थे, अरे झूमने लगे थे, बूढ़े लोग, नौजवान लोग, सारे लोग वहां पर एकदम पूरा मैं हो गया था, भोजपुरी मैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का मिलन करा है, तो कहीं ना कहीं रवि किशन और मनोज तिवारी खास तौर पर जो कि कराए हैं, जो कि बीजेपी के मतलब संसद भी याद है, तो कोई तरह से राजनीतिक प्लानिंग करके तो नहीं कराए हैं कि पवन सिंह भी बीजेपी में ज्वाइनिंग करने वाला है, तो कुछ खास प्लानिंग? देखिए वो कैसे क्या हुआ उससे लेना देना नहीं है, लेना देना ये है कि खेसारी और पवन एक हो गए ना, पूरे बिहार यूपी झारखंड के लोग इसी बात को लेकर खुशी में है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दो भाई एक हो गए, और वो कहाँ कैसे हुआ वो सब लेना देना नहीं है। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी बीजेपी के नेता है, जी जी फिर भी सिनेमा बना रहे ना, तो इनका काम से हमें मतलब है, कहाँ है नहीं है उससे कुछ मतलब नहीं है, और दोनों भाई अब एक हो गए, अब तो हल्का मचेगा, न जाने कितने दलालों की दुकानें पे ठप्पा और मोहर लग गई है। लेकिन एक चीज हम सोचते हैं कि जब भी खेसारी लाल यादव या पवन सिंह लाइव आते थे तो किन्हीं को टारगेट करके बोलते थे कि देखो मेरा चार चार गाना ट्रेंडिंग में है, तो मेरा ये हो गया, मेरा इतना मिलियन करोड़
लॉस हो गया, तो आप लाइव आएंगे तो किनको टारगेट करेंगे? देखिए आपको याद है ना स्टेज शो देखे ना दोनों का, जब एक स्टेज पे दोनों सुपरस्टार थे तो दोनों संकल्प लिए, खेसारी लाल यादव पवन सिंह को बोले कि हमेशा ये हमारे गार्जियन थे हैं और रहेंगे और कभी अब ऐसा नहीं होगा, बात विवाद कभी भी नहीं होगा। और पवन सिंह ने भी संकल्प लिए हैं कि हमारा छोटा भाई है था और रहेगा, और जब तक हमारे अंदर सांस रहेगा जब तक मैं यही मानूंगा कि खेसारी लाल यादव हमारा छोटा भाई है। तो भैया आप तो संकल्प ले लिए हैं। और देखिए ना विरोध जब होता था, जब एक दोनों से विवाद करते थे, जब एक दोनों विवाद में रहते थे, दुश्मनी करते थे, तो मारने तक के बात आता था। और वही जब दोनों एक हुए हैं तो प्यार भैया इतना, देखिए ना तस्वीर में दिख रहा होगा, इतना प्यार मतलब क्या ही हद पार है, मतलब प्यार महा प्यार हो रहा है, गठबंधन का प्यार है भाई।